नमस्कार, आप देख रहे हैं आज वॉइस न्यूज और मैं आपके साथ वंदना। आइए नजर डालते हैं आज की प्रमुख खबर पे। हमारे संवाददाता राहुल चौबे की खबर। साल के शुरुआत में करीब दोपहर 12 बजे सिलीगुड़ी डाकघर गांधी प्रतिमा के सामने हमारे संविधान को बचाने को लेकर शपथ ग्रहण किया गया। ये शपथ दिल्ली और साथ ही पूरे भारत में किसान आंदोलन के समर्थन में लिया गया। एक मास बेशी हो गए थे दिल्ली में कृषक लड़ाई आछे तीन बिल एन जेहेतु आईन हो गए यहाँ अगणतान्त्रिक भावे पार्लामेंट के पास करिए मोदी सरकार ये इम्प्लीमेंटे जा कृषक लड़ाई से श्रमिक श्रेणी सीआईटी तरह पास जो दिन ना कृषि बिल प्रत्याहार होना लड़ाई कृषक लड़ाई संगे हमारा कर लड़ाई कर श्रमिक कृषक एक हो नारा तो अनेक जगह होनेकबार हमें लगे किंतु कार्यत ये समय आते कृषक और श्रमिक एकसाथे लड़ाई कर आज के अपना कि आज के शपथ ग्रहण जेखने हमारे मन हो देश एक क्राइसिस आ संविधान एक क्राइसिस आ मोदी सरकार जख तक चार ता करते शुरू कर संख्यागरिष्ठ नाम दिए डेमोक्रेसि के ध्वस कर संविधान के ध्वस कर तई आज के सीआईटी थे संविधान बचाओ एवं कृषक बचाओ देश बचाओ ये स्लोगान मैंने यार कन्टेंट सामने रेखे हमें एखे एक शपथ ग्रहण कर लोट टेक कर लोट हे हमारे देशर मानुषर जो कृषक आगामी प्रजन्म जो लड़ाई से सामिल होड़ाई हमें तो कंटिन्यू चलाए जाब से हे आज के शपथ पाठ हमें एखे कर लाजे कथाटा।